नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर स्निग्धदीप शाह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट कोलकाता से। आज मैं लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक, वो है एलर्जिक राइनाइटिस। याद होगा मैंने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था एलर्जिक डर्माटाइटिस के बारे में। बेसिकली ये एलर्जी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एलर्जिक डर्माटाइटिस, जो कि स्किन में उसका सिम्टम दिखाई देता है। दूसरा होता है एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि नाक में उसका सिम्टम्स दिखाई देता है। और तीसरा है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक अस्थमा, जो लंग्स में इसका कोई भी सिम्टम का प्रोलिफरेशन दिखाई देता है। सो पहला जो टॉपिक था एलर्जिक डर्माटाइटिस, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर किसी को एलर्जिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम हो तो। तो आज का टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? बेसिकली एलर्जी मतलब बॉडी का कोई भी बाहर के एलर्जन के अगेंस्ट एक रिएक्शन, और राइनाइटिस मतलब कुछ भी अगर प्रोलिफरेशन हो जो नाक से बह रहा हो या नाक के थ्रू कोई सिम्टम दिखाई दे रहा हो, उसको बोलते हैं राइनाइटिस। सो दैट सम्स अप एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस का मेन फीचर या मेन सिम्टम ये होता है कि बॉडी में अगर नाक के थ्रू कोई भी एलर्जन पहले बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करे, सो पहला रिएक्शन होता है स्नीजिंग या छींक होना। यूं बॉडी उसको चाहता है कि छींक के जरिए उस एलर्जन को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि बॉडी ट्रीट्स इट एज अ फॉरेन बॉडी। सो फर्स्ट सिम्टम इज स्नीजिंग और या छींक। सेकेंड पार्ट में आता है इचिंग, नाक के अंदर इचिंग होना या आंखों के अंदर इचिंग होना, ये भी एलर्जिक राइनाइटिस के साथ मिला हुआ एक सिम्टम है। और तीसरा होता है रनी नोज या नाक बहना। नाक बहना मतलब नाक से कंटिन्यूअसली पानी सिक्रेट होना या वाटरी नोज जिसको बोलते हैं। बॉडी चाहता है कि वाटर के थ्रू या सिक्रेशन के थ्रू उस फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल देने के लिए। अभी ये फॉरेन बॉडी एक्चुअली है क्या? फॉरेन बॉडी हो सकता है कुछ भी एग्रेवेटिंग फैक्टर, लाइक डस्ट हो सकता है, डस्ट से हमारे नाक में एलर्जी हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रांग परफ्यूम या कोई भी स्ट्रांग स्मेल, कोई फूल का बहुत ज्यादा स्मेल, ये भी हो सकता है एक एलर्जन होते हैं। पिलोस का जो कार्पस का जो कॉटन होता है वो भी एक एलर्जन के रूप में काम करता है। ये तो हो गया एलर्जिक राइनाइटिस के बेसिक्स। अभी इसके डिटेल सिम्टम्स क्या क्या है? स्नीजिंग बहुत बड़ा सिम्टम है। नाक में अगर किसी के पॉलिप हो तो पॉलिप का फूल जाना बहुत एक बड़ा सिम्टम है। पॉलिप फूलने के कारण नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, मतलब नाक से सांस ज्यादा अंदर नहीं ले पाना या सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी एक सिम्टम है। उसके साथ इचिंग ऑफ द थ्रोट, इचिंग ऑफ द आई, इचिंग ऑफ द नोज, कोई भी नाकों के अंदर, गले के अंदर या आंखों के अंदर खुजली होना, ये भी एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम है। उसके साथ कभी कभी फीवर भी आ सकते हैं, इसको हम हे फीवर बोल के भी जानते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस का जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है वो जनरली है स्टेरॉयड बेस, स्टेरॉयड, एंटीहिस्टामिन या डीकॉन्जेस्टेंट, जो नाक में देने से ही इमीडिएटली आराम मिल जाता है, ऐसे टाइप के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रीटमेंट आपको लॉन्ग टर्म में क्योर नहीं कर पाता। होम्योपैथी का जो सिस्टम है, होम्योपैथी में आप सभी को पता है कि हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। रूट कॉज को ट्रीट करके जो एलर्जन फैक्टर है, बॉडी का जो मेकेनिज्म है, उसी को हम ठीक करते हैं ताकि रूट से ये चीज पूरा पूरी क्योर हो जाए। तो एलर्जिक राइनाइटिस के आज मैं बताने जा रहा हूं पांच बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं दो बोनस मेडिसिन भी बताने वाला हूं इसके साथ साथ। तो फर्स्ट जो मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, उसका नाम है एलियमसिपा, एलियमसिपा 30 और एलियमसिपा 200 पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। एलियमसिपा क्या करता है? एलियमसिपा होता है रॉ ऑनियन से ये मेडिसिन को हम प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर रॉ ऑनियन आप चॉप करना चाहेंगे या किचन में जब आप चॉपिंग करते हैं रॉ ऑनियन का, क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है? आंख से पानी बहना, नाक से पानी बहना, ये सारे रॉ ऑनियन की एक सिम्टम है। तो इसी को काम में लगाते हुए होम्योपैथी में एलियमसिपा नाम का एक मेडिसिन प्रिपेयर किया गया है। तो एलियमसिपा का जो चीफ सिम्टम है वो है वाटरी नोज एंड वाटरी आईज, नाकों से और आंखों से दोनों जगह से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे स्नीजिंग रहेंगे। लेकिन नाकों का जो पानी है, नाकों से जो रनी नोज होगा, वो यहां पर हमारे अपर लिप पर कोरोड कर देगा, मतलब रेडनेस पैदा कर देगा या वहां पर जगह को थोड़ा बर्न करने की कोशिश करेगा, एक बर्निंग सेंसेशन वहां पर रहेगा। लेकिन आंखों से जो पानी निकलेगा वो पूरा ब्लांट रहेगा, मतलब वहां बस सिक्रेशन ही होगा आंखों से, लेकिन कोई कोरोडिंग नहीं होगा। यह है एलियमसिपा का मेन सिम्टम। एलियमसिपा की बात करेंगे तो उसके बाद सेकेंड जो मेडिसिन आएगा
वो है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया भी 30 या 200 पोटेंसी बीएमपी आप ले सकते हैं। यूफ्रेशिया ठीक एलियम सिपा का ऑपोजिट है। यूफ्रेशिया में भी नाकों से पानी बहता है, आंखों से पानी बहता है, लेकिन यूफ्रेशिया में आंखों में एक इचिंग रहता है, उसके साथ साथ आंखों से जो पानी बहता है वो कोरोडिंग होता है, मतलब वो एक एक्रिड टाइप का डिस्चार्ज होता है जो आंखों के आसपास एक इरिटेशन पैदा करता है, एक बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है। लेकिन नाक से जो पानी निकलता है वो पूरा ब्लांड होता है। सो एलियम सिपा और यूफ्रेशिया में डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है। तीसरा जो मेडिसिन बताने जा रहा हूं उसका नाम है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब 30 या 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्ब इम्यूनिटी बूस्टर है। आर्सेनिक एल्ब 30 एलर्जिक राइनाइटिस केस में बहुत अच्छा काम करता है। वायलेंट स्नीजिंग, आंखों से पानी बहना, नाकों से पानी बहना, आंखों का पानी बहना इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है आर्सेनिक एल्ब में, लेकिन नाकों से वाटरी डिस्चार्ज होना और व्हाइट कलर का वाटरी डिस्चार्ज होना, ये आर्सेनिक एल्ब का एक मेन सिम्टम है। आर्सेनिक एल्ब का जब सिम्टम हम बोल रहे हैं तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आर्सेनिक एल्ब का पेशेंट चिली होता है। चिली मतलब इन पेशेंट्स को ठंड लगने की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बॉडी में ठंड का फीलिंग ज्यादा रहती है। लेकिन अभी सेम सिम्टम में अगर किसी के बॉडी में हीट का टेंडेंसी ज्यादा रहे तो आप लोग यूज कर सकते हैं आर्सेनिक का ही एक दूसरा वेरिएंट है, उसका नाम है आर्सेनिक आयोड। सो आर्स आयोड या आर्सेनिक आयोड ये उन लोगों के लिए यूज कर सकते हैं जिनका आर्सेनिक का सिम्टम तो है लेकिन उन लोगों के बॉडी में हीट ज्यादा रहती है या उन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है। सो आर्सेनिक एल्ब एंड आर्सेनिक आयोड इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखिएगा, चिली पेशेंट के लिए आर्सेनिक एल्ब और हॉट पेशेंट के लिए आर्सेनिक आयोड। फोर्थ जो मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम म्यूट। नेट्रम म्यूट जनरली 200 पोटेंसी में लेने से बेहतर है क्योंकि नेट्रम म्यूट एक पॉलीक्रिस मेडिसिन है, मतलब ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, ये कुछ एक्यूट मेडिसिन नहीं है। सो नेट्रम म्यूट डेफिनेट सिम्टम्स है उसके, उसमें से मेन है नेट्रम म्यूट पेशेंट भी हॉट होता है, मतलब इन लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है। दूसरा, इन लोगों को बहुत ज्यादा खाने के साथ कच्चा नमक खाने के ये आदि होते हैं या रॉ सॉल्ट लेने के आदि होते हैं या कोई भी खाने में नमकीन खाना इनको ज्यादा पसंद आता है। सो नेट्रम म्यूट चूज करने से पहले थोड़ा सोचिएगा क्योंकि ये पॉलीक्रिस मेडिसिन है, बहुत सारा सिम्टम हमें मिलाना पड़ता है, नेट्रम म्यूट का मेंटल सिम्टम भी मिलाना पड़ता है। नेट्रम म्यूट पेशेंट्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है या बहुत ज्यादा अपनी मन की बात सबको बोलते नहीं है। नेट्रम म्यूट पेशेंट्स थोड़ा रिजर्व टाइप के, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के पेशेंट्स होते हैं। इन लोगों को जब मूड इनका ऑफ होता है या गुस्सा जब आता है, कोई अगर इनको कंसोल करने जाए, मतलब कोई बोलने जाए कि नहीं चलो सब ठीक हो जाएगा, ये पेशेंट्स उल्टा उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है। ये नेट्रम म्यूट का एक पिक्यूलियर सिम्टम है। नेट्रम म्यूट इज अ बिग मेडिसिन, एक दिन इसके बारे में हम डिटेल में पूरा वीडियो ही बना लेंगे नेट्रम म्यूट में, लेकिन अभी के लिए याद रखिए एलर्जिक राइनाइटिस केस में नेट्रम म्यूट आप यूज कर सकते हो। अगर नाकों से पानी बह रहा है, छींक हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी एल्बुमिनस मतलब व्हाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है, पेशेंट को नमकीन खाना ज्यादा पसंद है या रॉ सॉल्ट ज्यादा लेते हैं और थोड़ा रिजर्व टाइप के हैं और इनको गर्मी ज्यादा लगती है, तो इन दैट केस नेट्रम म्यूट आप यूज कर सकते हो। प्रेफरेबली 200 पाउ में यूज करो तो ही बेहतर है। और फिफ्थ जो मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है सेबाडीला। सेबाडीला जनरली 30 पाउंड में यूज करने से ही बेहतर है क्योंकि सेबाडीला एक एक्यूट मेडिसिन है, ये क्रॉनिक या डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं है। सेबाडीला 30 आप यूज कर सकते हो एलर्जिक राइनाइटिस में। सेबाडीला में एक टिपिकल सिम्टम है छींक, बहुत ज्यादा छींक, एक साथ में बहुत सारा छींक होता है। उसके साथ साथ इन लोगों का थ्रोट में ट्रबल रहता है, मतलब नाकों में जो ट्रबल रहता है वो ट्रबल थ्रोट तक पहुंचता है, गले तक पहुंचता है, लंग्स तक नहीं जाता डेफिनेटली, लेकिन गले में थोड़ा खराश, गले में कुछ खाने में तकलीफ होना, थ्रोट का कोई भी इन्फेक्शन का सिम्टम और उसके साथ साथ नाकों से पानी बहना, इचिंग होना, ये सेबाडीला का एक खास सिम्टम है। ये हो गया मेन फाइव मेडिसिन। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन डेफिनेटली होते हैं क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस इज अ बिग टॉपिक, लेकिन ये पांच बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है। अभी इसके साथ मैं बताने जा रहा हूं दो बोनस मेडिसिन, दोनों ही मदर टिंचर में आप यूज कर सकते हैं। ये जो पोटेंसी मेडिसिन आप अगर सिलेक्ट करोगे एज पर योर सिम्टम तो उसके साथ भी ये मदर टिंचर आप यूज कर सकते हो। ये दोनों में से पहला नाम है लेमना माइनर, लेमना माइनर क्यू या लेमना माइनर मदर टिंचर। लेमना माइनर मदर टिंचर उन लोगों के लिए खास काम करता है जिन लोगों का नेजल पॉलिप का कुछ प्रॉब्लम है या डेविएटेड नेजल सिम्टम का प्रॉब्लम है, मतलब नाकों का हड्डी वो टेढ़ा होना या नाकों में छोटे छोटे पॉलिप जैसे हो जाना, जिनके वजह से एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साथ छींक होने के बाद इनका नाक बंद हो जाता है
या सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है, नाकों से सांस लेने में तकलीफ होता है, ऐसा नहीं एस्मा रीब्रीडिंग या लंग्स के साथ कुछ कनेक्टेड है, नाकों से सांस जाना और आना थोड़ा कम हो जाता है, स्पेशली किसी एक साइड में। और दूसरा है बहुत सारा वायलेंस स्लीजिंग या बहुत सारा छींक होना। इन केसेस में लिम्ना माइनर आप यूज कर सकते हो 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में दो बार करके। और इसके अलावा लास्ट जो मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है पोथोस्फेरिडस क्यू। पोथोस्फेरिडस आज के डेट में, आज का लाइफस्टाइल जो है सबका, इस डेट में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि पोथोस्फेरिडस का मेन सिम्टम है डस्ट से एलर्जी। ये ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, डस्ट से अगर एलर्जी हो, डस्ट एलर्जी के कारण आपका छींक आ रहा हो, नाक बह रहा हो, उसके साथ साथ गले में थोड़ा तकलीफ या वो लंग्स तक भी पहुंच जा रहा है, सांसों में लेने में तकलीफ हो रहा है, तो पोथोस्फेरिडस क्यू या पोथोस्फेरिडस मदर टिंचर में आप यूज कर सकते हो। ये भी 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में दो बार। ध्यान रखिएगा, जितना मेडिसिन मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि सब एक साथ यूज कर लूँ या ऐसा, ऐसा एकदम नहीं है। होम्योपैथी सिस्टम ऐसा है कि आपको एज पर सिम्टम मेडिसिन को चूज करना पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली जो मदर टिंचर्स है दोज आर सेफ टू यूज। मदर टिंचर का अगर सिम्टम मिले तो आप पोटेंसी मेडिसिन के साथ मदर टिंचर को यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई कीजिएगा पोटेंसी मेडिसिन एक ही यूज करने के लिए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा मेडिसिन आप यूज कर सकते हो तो कुछ अलग से सिम्टम बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है दूसरे मेडिसिन का, जिनका एक्चुअली केस के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज पैदा करने की कोशिश करता है। सो ट्राई के इन मेडिसिन में अगर आपका कोई सिम्टम मैच कर रहा हो तो उसको एज पर सिम्टम आप उसको यूज करो। अगर 30 पावर में यूज करते हो मेडिसिन तो दिन में दो बार करके या तीन बार करके आप यूज कर सकते हो 15 टू 20 डेज तक। अगर 200 पावर में यूज कर रहे हो तो दिन में एक बार करना ही बेहतर है, दिन में एक बार करके 15 टू 20 डेज तक ये लेते रहो, इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि इनसे ही पूरा क्योर हो सकता है, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन बॉडी में जरूरी हो, तो डीप एक्टिंग मेडिसिन के लिए अगर वो आप वैसे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दैट इज अ बिग वास्ट टॉपिक, उसके लिए आप अपने आसपास में कोई भी रिप्यूटेड होम्योपैथिक डॉक्टर अगर हो तो उनके साथ कंसल्ट कर सकते हो विद डिटेल सिम्टम्स, या मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का टॉपिक हो गया एलर्जी का सेकेंड पार्ट, दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ, उसका नाम है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक अस्थमा, जो कि लंग्स के साथ कनेक्टेड है। तो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस में बहुत लाता रहता हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली, और अभी तो बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाला है डेफिनेटली। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जिन लोगों की इसकी जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू।